Good morning students of class 5th. Today we are going to revise our chapter number 3. ठीक है, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा बोन्स एंड मसल्स. ओके, बोन्स एंड मसल्स. सो बोन्स एंड मसल्स में हम लोग फर्स्ट टॉपिक लेते हैं स्केलेटन का. ओके, सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए. इस पॉइंट्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स, व्हाटएवर, किसी भी तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन्हें कर सकते हो. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन. सबसे पहली बात आती है कि हम स्केलेटन किसे कहते हैं. द फ्रेम वर्क ऑफ द बोन्स, यानी कि बोन्स की एक बनावट, फ्रेम मीन्स टू जिसे हम ढांचा बोलते हैं. ठीक है ना, किसी भी चीज का एक फ्रेम होता है ना, यानी बनावट होती है. तो यानी फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स, बोन्स का एक फ्रेम वर्क दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को ना ही केवल शेप देता है बल्कि सपोर्ट भी देता है. ठीक है, उसे हम स्केलेटन कहते हैं. ठीक है, शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन. सो अगर क्वेश्चन होता है व्हाट इज अ स्केलेटन, द आंसर शुड बी द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन. ठीक है, अगर वन वर्ड में पूछा जाता है द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी इज कॉल्ड, आंसर शुड बी स्केलेटन. इज दैट क्लियर? ओके, दैट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स. अच्छा, स्केलेटन का वर्क क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो बहुत ही नाजुक ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारे किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सारे ही ऑर्गन्स हमारे बहुत डेलिकेट हैं, बहुत नाजुक हैं, जिनको ये प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बोन्स आर द हार्ड स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ लिविंग सेल्स एंड मिनरल्स. सेकेंड चीज ये कि हमें पता होना चाहिए कि बोन्स किससे बने होते हैं. तो बोन्स जो बने होते हैं वो बने होते हैं मिनरल्स से एंड लिविंग सेल्स से. ठीक है, लिविंग सेल्स एंड मिनरल्स. ठीक है, सो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वट एवर करेक्ट द स्टेटमेंट. किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर आना चाहिए बोन्स आर द हार्ड स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ लिविंग सेल्स एंड मिनरल्स. बोन्स जो होते हैं, पहली बात तो उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं बोन्स, और ये जो बने होते हैं ये लिविंग सेल्स से बने होते हैं और मिनरल्स से बने होते हैं. क्लियर? नाउ देयर आर 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस इन एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन. ह्यूमन स्केलेटन में टोटल कितने बोन्स होते हैं? तो एक एडल्ट में जो बोन्स होते हैं वो होते हैं 206 बोन्स, यानी 206 हड्डियां पाई जाती हैं एक वयस्क इंसान में. नेक्स्ट इज लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी कंटेन अ जेली लाइक मटेरियल नोन एज बोन मैरो. अब हम बात करते हैं हमारे शरीर की कुछ जो लंबी हड्डियां, जैसे कि लेग्स में, हैंड्स में पाई जाती हैं. तो बोल रहा है लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी कंटेन अ जेली लाइक मटेरियल. ये जो लॉन्ग बोन्स हमारी बॉडी में है, इन पे एक जेली लाइक मटेरियल पाया जाता है जिन्हें हम बोन मैरो कहते हैं. ठीक है, वो जेली लाइक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? बोन मैरो. करेक्ट. नेक्स्ट, बोन मैरो इज द बॉडीज फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स एंड इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फैट. और यही बोन मैरो जो है ये हमारी बॉडी के फैक्ट्री कहलाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं रेड ब्लड सेल्स को. ओके, जो कि फैट को स्टोर करने में मदद करते हैं. क्लियर? रिवाइज वन टाइम मोर. फर्स्ट, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन. सबसे पहली चीज जो हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देते हैं वो स्केलेटन कहलाते हैं. और बोन्स आर द हार्ड स्ट्रक्चर्स, हमें पता है बोन जो है वो इनके स्ट्रक्चर्स हार्ड होते हैं, और ये बने किसके होते हैं? लिविंग सेल्स के और मिनरल्स के. कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स. नाउ लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी दैट कंटेन जेली लाइक मटेरियल नोन एज बोन मैरो. क्लियर? और बोन मैरो इज द बॉडीज फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, दैट
comprises the skeleton are the skull, rib cage, backbone and the limbs, pair of limbs भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो मेन बोन है उसमें आपकी ये सारी ही चीजें, ये सारी ही बोन्स शामिल है। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं स्कल की, क्लियर। सो स्कल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड, द मूवेबल लोअर जॉ इनेबल्स अस टू टॉक एंड ईट। सो स्कल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल हमारा ये वाली जो बोन होती है वो कहाँ होती है, दिस आपकी जो खोपड़ी की बोन होती है, दैट इज कॉल्ड अ स्कल, जिसे आप हिंदी में खोपड़ी भी कहते हो, ठीक है। सो ये जो बोन होती है ये आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट बोन जो है वो है आपका स्कल, क्लियर। नाउ जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, मेन थिंग, वन थिंग मोर, ये बोन जो होती है ये इसलिए सबसे ज्यादा हार्ड है क्योंकि आपका सबसे डेलिकेट पार्ट जिसे जो कि आपका ब्रेन है उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, क्लियर। नाउ द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड। दूसरी चीज ये कि हमारे स्कल की जो बोन होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी एक जगह पर होती है। हम देखते हैं बाकी हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, दो तरीके के, पहली बात, जॉइंट्स होते हैं, एक मूवेबल होते हैं और एक इमूवेबल होते हैं, यानी कि एक जो मूव करते हैं और एक जो मूव नहीं करते हैं। तो आपका स्कल जो है वो इमूवेबल जॉइंट्स में आता है, यानी कि जो मूव नहीं करते। आप देखते होंगे कि आपका जो स्कल है, खोपड़ी है, वो एक जगह पर फिक्स्ड रहती है, वो कभी भी हिलती नहीं है। स्कल में आपका पूरा फेस आ जाता है, उसमें आप देखते हैं एक आपका अपर जॉ होता है और एक आपका लोअर जॉ होता है, यानी एक ऊपरी जॉ मीन्स जबड़ा होता है और नीचे एक लोअर जॉ होता है, दो तरीके के जॉ होते हैं। अपर जॉ जो होता है वो फिक्स्ड होता है और जो लोअर जॉ होते हैं वो आपके मूवेबल होते हैं, जिससे कि आप बात कर सकते हो, आप खा सकते हो। कभी भी आप नोटिस करिए आपका जो पूरा स्कल है, जो पूरी खोपड़ी है, उसमें का कौन सा पार्ट आपका मूव करता है, केवल लोअर जॉ, दिस वन, ठीक है। कभी भी आपका अपर जॉ जो है वो मूव नहीं करता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिब केज, अब हम बात करते हैं रिब केज की। द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। रिब केज में आपके 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। ये रिब्स आपके पीछे से लेकर आगे चेस्ट तक आते हैं, ठीक है। ये आपके 12 पेयर्स के होते हैं। 12 पेयर्स, पेयर्स मीन्स टू, जस्ट आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 टू जा 24, यानी 24 होते हैं टोटल, ओके। नाउ द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट। और ये जो रिब केज होते हैं ये आपके किन चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके ऑर्गन्स को, जैसे कि आपका लंग्स हो गया और हार्ट हो गया। ये आपके लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि मैंने भी बताया ये भी बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इन फ्रंट रिब्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन। और ये जो फ्रंट की आपकी रिब्स होती हैं ये कनेक्टेड होते हैं आपके ब्रेस्ट बोन से, जिसे हम स्टर्नम भी कहते हैं। द लोवेस्ट टू पेयर्स आर नॉट कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन एंड आर दस कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, बाकी सारी रिब्स तो आपकी कनेक्टेड रहती हैं ब्रेस्ट बोन से, जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं, बट लास्ट की जो टू बोन्स होती हैं, लास्ट की टू पेयर्स ऑफ जो बोन्स होती हैं वो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती है, इसीलिए उन बोन्स को फ्लोटिंग बोन्स कहा जाता है, क्लियर। अगेन लुक एट हियर, स्कल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, दैट इज स्कल दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। और स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड, और जो स्कल की बोन्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। द मूवेबल लोअर जॉ इज इनेबल्स अस टू टॉक एंड ईट। मैंने आपको बताया कि केवल ये लोअर जॉ ही आपका मूव करता है, बाकी आपका फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट है आपका रिब केज। द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। रिब केज में आपके पूरे 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ठीक है। और ये रिब केज किसको प्रोटेक्ट करते हैं, लंग्स को एंड हार्ट को।
इन फ्रंट रिब्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन, और ये जो फ्रंट की रिब्स है ये किससे कनेक्टेड रहती है, दैट इज ब्रेस्ट बोन, जिसे हम स्टेरनम भी कहते हैं. द लोवेस्ट टू पेयर्स आर नॉट कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन, जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं. ठीक है, बाकी सारी आपकी बोन्स जो है वो स्टेरनम से कनेक्टेड रहती है. लास्ट की टू पेयर्स बोन्स यानी फोर रिब्स आपकी स्टेरनम से कनेक्टेड नहीं रहती है, इस वजह से इन्हें फ्लोटिंग बोन्स कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस. हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जो कि रिटन फॉर्मेट में आपको होगा. सो यू हैव टू डू ऑल द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चंस. आपको सारे आंसर्स उस क्वेश्चन से रिलेटेड करने हैं, और वो सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो केवल आज के टॉपिक से रिलेटेड होंगे. आपके कोई भी क्वेश्चंस आज के टॉपिक से रिलेटेड, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड ना हो. ठीक है, सो आपको वो सारे ही क्वेश्चंस, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी से समझ में आ गई तो आप सारे क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छे से कर लेंगे. ओके, सो थैंक यू क्लास.